नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से स्टडी लीव को लेकर अधिसूचना जारी किया गया है। इस बात की जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर दिया है और शिक्षकों के हित में उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि किस तरीके से स्टडी लीव का जो फायदा है वो हर ग्रेड के जो शिक्षक है वो ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो भी शिक्षक थे वही सिर्फ स्टडी लीव का लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब जो है अधिसूचना जारी करके ये बताया गया है कि अब सभी शिक्षकों को ये सुविधा मिल सकेगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2020 और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2020 के अंतर्गत अध्ययन अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब जो है हर शिक्षक जो है इस अधिसूचना का लाभ जो है वो सुविधा जो है वो उठा सकेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और कोई ऐसे शिक्षक हो जिनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई चल रही हो या फिर वो निलंबित हो तो वैसे शिक्षक इन सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। साथ ही साथ जिन शिक्षकों ने प्रमाण पत्र की जाँच सक्षम स्तर से सही पाई हो और अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन देने की तिथि तक नियमित रूप से वेतन का भुगतान हुआ हो उन्हें ही ये अध्ययन अवकाश जो है वो मिल सकेगा। वहीं बीएड के लिए किसी भी शिक्षक को स्टडी लीव जो है वो नहीं मिल सकेगा। विभाग की अधिसूचना के अनुसार मूल कोटि के शिक्षक जो है स्नातकोत्तर और पीएचडी, तो वहीं स्नातक कोटि के शिक्षकों को अपने विषय में स्नातकोत्तर और पीएचडी के अध्ययन के अवकाश मिल पाएगा। मूल कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षकों को एमएड के लिए अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन बीएड के लिए किसी तरीके का अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। अध्ययन अवकाश के लिए अधिसूचना में यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि सरकारी शिक्षकों को अवकाश मिलेगा कि वह जितनी अवधि के लिए अवकाश लेंगे उतनी अवधि की सेवा के बाद से ही वे किसी अन्य सेवा में जा सकेंगे। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अध्ययन अवकाश पर जाने से स्कूल के जो पचन पाचन है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आए, इसका काम जो है किसी भी तरीके से बाधित नहीं हो। तो ये अधिसूचना जो है बिहार के शिक्षकों के हित में शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो नियमावली है वो बताया है साफ तौर से। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो उनके फैसले को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएड के लिए अगर किसी शिक्षकों को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है उन पर साफ तौर से उनका कहना है कि क्या बेसिक जो भी शिक्षा है उनको आगे बढ़ने की जो हक है वो नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और साथ साथ कुछ लोगों ने कहा है कि बीएड के लिए इस तरीके से छुट्टी नहीं देना विभाग की तानाशाही है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो नियमावली दी गई है स्टडी लीव को लेकर, इससे कुछ लोग जो है वो उस फैसले को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि ये फैसले थोड़ा तानाशाही तरीके से हो गया है क्योंकि जो बेसिक शिक्षक है उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।